सूबे में अपनी कूंद होती धार को पनापन देने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रोफेशनल कांग्रेस विंग को एक्टिव मोड में लाने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ली है, ताकि सूबे में पार्टी के खोए गौरव को वापस लाया जा सके। जब आँख खुले तभी सवेरा मानो की तर्ज पर कांग्रेस ने यूपी की सियासत में एक बार फिर से तार ठोकने का मन बनाया है। सूबे में अपनी धार खो चुकी कांग्रेस ने इसके लिए पार्टी के प्रोफेशनल विंग को बैसाखी बनाकर अपने विरोधियों को टक्कर देने का फैसला किया है और इसे फिर से एक्टिव मोड में लाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ली है। When the results are out, we will have to see how the Congress leadership, the High Command and Mr. Siddaramaiah himself will contribute to figuring out what to do next. Let's wait for the numbers. पार्टी ने प्रोफेशनल कांग्रेस के मिशन की शुरुआत लखनऊ से की है। पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस को फिर से मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इस विंग को हथियार बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी की मजबूती के लिए प्रोफेशनल्स को जोड़ना समय की दरकार भी है और मांग भी। बदलते समय और हालात में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव लाने के लिए कमर कस ली है, ताकि मिशन 2019 में पार्टी यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर सके और मतदाताओं के बीच अपनी पैठ जमा सके। और ऐसे में पार्टी की प्रोफेशनल विंग अपनी भूमिका निभाने में सफल रही तो पार्टी के लिए ये सोने पर सुहागा होगा। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के पास प्रोफेशनल्स की कमी थी तो कांग्रेस के उन कर्णधारों की, जिसके चलते कांग्रेस की एक एक इकाई धीरे धीरे निष्क्रिय हो गई। और आज जब पूरे देश में लगभग कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है, तो ऐसे वक्त में फिर से कांग्रेस को अपनी अलग अलग इकाइयों की याद आ रही है। कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉयस, लखनऊ।